मॉर्निंग गाइस, सुबह का हो रहे हैं 8:36। मौसम बहुत ही ख़राब है, पूरी रात बारिश हुई। जहाँ जा रहे हैं वहाँ दिख नहीं पाएगा। अभी GoPro भी चार्ज पे लगा रखा है, तो मिलता हूँ आपको थोड़ा ऊपर जाके जब GoPro चार्ज हो जाएगा। तो फाइनली गाड़ी नीचे खड़ी है और यहाँ से पैदल शुरू हो गया है। ऊपर के टॉप में मंदिर है, आराम से 1.5 किलोमीटर के आसपास होगा पैदल। तो हम आ रखे चंद्रबदनी माता जी के मंदिर में। यहाँ की कुछ मान्यताओं के बारे में मैं बताता हूँ, बाकी पंडित जी से भी पूछेंगे। जो शंकर भगवान थे, उनकी वाइफ, उनकी सती जी, शंकर भगवान की वाइफ सती जी थी, जिन्हें उनके पापा राजा दक्ष ने, एक महान यज्ञ हुआ था राजा दक्ष के यहाँ पे, उसमें बुलाया नहीं, तो वो नाराज होके अपने पिताजी के यहाँ पे गई और हवन में कूद गई। तो उनका आग से जला हुआ शरीर महादेव अपने साथ लेके ब्रह्मांड में घूम रहे थे। और शोक में थे जिससे सृष्टि का संचालन रुक गया था। तो भगवान विष्णु ने उनके शोक को दूर करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से, अपने चक्र से माता सती के मृत शरीर के बहुत सारे अंग किए। वो अंग जहाँ जहाँ पड़े वहाँ पे मंदिरों की स्थापना हुई। जैसे सुरकुंडा देवी, वहाँ पे सरगिरा, नैना देवी आँख, कुंजापुरी और चंद्रबदनी बदन इधर गिरा था। वैसे तो ज़्यादा मंदिर बने थे तो कुछ याद नहीं है, ऊपर पंडित जी से पूछ के बताएंगे आपको। और आप लोगों में से किसी को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। थोड़ा ऊपर जाके बताता हूँ जी। पंडित जी, पहले मंदिर गए, मंदिर के इतिहास के बारे में बताइए। तो मंदिर के इतिहास के बारे में ये है जी कि दक्ष प्रजापति की, तो सभी ने समझ रखा होगा कि कनखल में, हरिद्वार कनखल में जी, दक्ष प्रजापति ने एक महायज्ञ किया था जिसमें शिव पार्वती को नहीं बुलाया गया था, सभी देवी देवताओं को बुलाया गया था लेकिन शिव पार्वती को निमंत्रण नहीं दिया गया था जी। ठीक है, जो पार्वती थी वो तो उनकी पुत्री थी। तो शिव जी ने, बाबा त्रियाहट होती है तो पार्वती जी ने बोला शिव जी मुझे जो है अपने मायके जाना है। तो मायके में तो उन्होंने बोला भाई पार्वती तो मत जाओ, तो यह है कि उनमें बुलाया हुआ नहीं है इसलिए बिन बुलाए मेहमान नहीं जाते हैं जी जी। उन्होंने जिद करते हुए चले गए। तो चले गए तो उन्होंने देखा कि सभी देवी देवताओं का वहाँ पर वो हो रखा है, सम्मान हो रहा है। अच्छा, केवल शिव जी का जो है वहाँ पर सम्मान नहीं कर दिया गया, उनका अलग से स्थान निर्धारित नहीं कर दिया गया। तो इतने में पार्वती जो है वो उनसे रुष्ट हो गई। अच्छा,
फ्रेश हो गए तो उन्होंने अपने पिता के बारे में पूछा, भाई आपने क्यों बोले, बोले तो बागम्बर ताल वाले हैं जो भी है, भभूति रमाए हुए हैं, यहाँ तो सारे राजा महाराजा लोग आते हैं जी, तो उसकी यहाँ कोई जगह नहीं है। तो उसने उसको जो है दक्ष प्रजापति की यज्ञ में जो है उन्होंने अपनी आहुति देकर उन्हें अपनी उसको भस्म कर दिया, शरीर को भस्म कर, शरीर को भस्म कर दिया जी। भस्म करने के बाद क्या होता है कि अब त्रिनेत्रधारी शिव जी हैं, उन्होंने देखा कि वहाँ जहाँ पार्वती सती हो गई, तो उनको क्रोध आ गया। अच्छा। तो जब उनको क्रोध आया तो उन्होंने दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया। अच्छा। और उसके बाद वहाँ अपने पार्वती के मोह में उस मृत शरीर को जो उनका बेह था, मृत शरीर था जी, उसको अपने सुदर्शन चक्र में उठा करके पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे जी, क्रोध में आकर जी, जी, जी क्रोध में घूमने लगे जी। तो उनको अब विष्णु भगवान ने देखा कि शिव जी का ये तो भाई सहार करता भी वही है और पालन करता भी वही है, सृष्टि का तो सारा चक्र ही रुक जाएगा। इसलिए उन्होंने देखा कि शिव जी का क्रोध किसी न किसी तरह के और माँ सती के प्रति इनके मोह को खत्म करने के लिए उस शरीर के अपने सुदर्शन से चक्र से उसके टुकड़े करवा दिए जी। तो जैसे जैसे टुकड़े जहाँ जहाँ गिरते गए वहाँ वहाँ जो है सत्यपीठों की स्थापना हुई, सिद्धपीठों की स्थापना हुई जी। जी जी जो सिद्धपीठ है ये 52 सिद्धपीठ हुई। अच्छा, 52 हुई, 52 सिद्धपीठ हुई। अच्छा। तो यहाँ जो चंद्रबदन में है यहाँ माता का बदन भाग गिरा है। अच्छा। तो बदन भाग का जो यहाँ बदन भाग गिरा है तो उसी बदन भाग से चंद्रबदनी नाम है इसका, मतलब चंद्रमा के समान बदन, चंद्रमा के समान बदन है जिसका जी जी, जी। माता चंद्र, वैसे इसको भुवनेश्वरी नाम से भी जाना जाता है जी जी जी। तो यहाँ पर फिर यहाँ चंद्रबदनी में फिर शिव जी फिर दोबारा उनको पाने के लिए तपस्या करते हैं। अच्छा। तपस्या करते हैं यहाँ चंद्रकूट पर्वत पर। अच्छा। चंद्रकूट पर्वत इसका नाम है, चंद्रकूट पर्वत में इसकी तपस्या करते हैं जी। फिर दोबारा जन्म उसको वरण करने के लिए जी, फिर उनको आकाशवाणी होती है कि शिव जी आप यहाँ से उठ के चले जाइए और राजा हेमान के यहाँ जो है वो पार्वती ने जो जन्म ले लिया है। शिव जी ने उनको पाने के लिए तपस्या की, फिर सती को पाने के लिए जब तपस्या सती ने तपस्या की उनको भी आकाशवाणी होते है कि अब तुम्हें जो है शंकर जी आपको वरण करने के लिए तैयार है और आप जो है उठ के चले जाइए, आपकी तपस्या सफल होगी, सफल होगी। और तो इसके बाद क्या होता है कि वो जो पुंज था माँ सती का यहाँ, तो वो पुंज गिर जाता है। अच्छा। तो पुंज में यहाँ क्या होता है, तो आकर्षित करता था वो पुंज, तो व्यक्ति आदमी यहाँ पर क्या करता था, पहले जब बोलते थे कि वहाँ मानुष बलि चढ़ती थी, मानुष बलि नहीं चढ़ती थी, बल्कि वो क्या होता था कि 100 में से एक आदमी, जैसे पहले के जमाने में क्या होता था कि पहले के जमाने क्या जो ऋषि मुनि लोग होते प्रवृत्ति के लोग होते वो अपना प्रणाम लगा के वहीं पर समाधिष्ट हो जाते थे। हाँ। तो इस तरह से यहाँ पर होता था। अच्छा, जी, जी, इस तरह से होता था जी। इस तरह से जो है अब ब्रह्मांश थे आपके आदि गुरु शंकराचार्य जी जी जी, ठीक है ना। अब शंकराचार्य जी को ये आपास हुआ कि वहाँ पर ऐसा ऐसा होता है, तो वो भी यहाँ घूमने आए। अच्छा। तो वो भी हिमालय में, सारे हिमालय में सारी देवी देवताओं का भ्रमण कर रहे थे। तो इसमें उन्हें भगवान में यहाँ भवानी क्षेत्र नीचे जी, तो वहाँ पर उनको एक लड़की मिलती है। तो लड़की मिलती है तो बोलते हैं भाई ऐसा है, वो शिव के वा सकते सती के तो थे नहीं जी जी जी, तो बोलते हैं भाई मुझे बेटा मुझे पानी पिला दो। बोला पानी पिलाना क्या है, तो नदी तुम्हारे सामने है, आप जाओ वहाँ पानी पी लो। अच्छा। तो बोला भाई मैं तो भाई नर्वस हो चुका हूँ, मैं तो नहीं जा सकता। उन्होंने कहा आप नर्वस नहीं हो चुके, आप थके चुके कुछ नहीं हो, आप शक्तिहीन है बस। अब शक्कर उस जैसे ही उनको ये पता चला कि शिव की बिना शक्ति, अशक्ति बिना बिल्कुल शिव सब मात्र है जी, तो उनको ये आवास हुआ कि उन्होंने कहा वास्तव में जो शक्ति रूप है तो वो शक्ति रूप तो उसी समय हाँ शक्ति के रूप में फिर वो यहाँ आते हैं। अब ये जो षड्यंत्र होता है जी, तो सारे जगह वो षड्यंत्र का पूरी गढ़वाल मंदिर में पूरे एरिया में जितने जितने मंदिर हैं जी जी, 365 मंदिर में इनको क्या करते हैं वो ये षड्यंत्र की स्थापना कर देते हैं जी जी। अब ये ही षड्यंत्र जो ज्योतिर्पुंज था उसको उलट करके उसमें षड्यंत्र की स्थापना करते हुए और उस षड्यंत्र की ही पूजा यहाँ पर कर दी जाती है जी जी। बदन भाग माँ का अदृश्य है, उसको दिखाई नहीं देता, नहीं हमारे पुरुष ने देखा ना हमने देखा जी जी, वो किसी को इजाजत भी नहीं है देखने की जी जी, जी, जी। गर्भगृह जैसा है वैसे ही है बिल्कुल। मंदिर निर्माण का ये जो ऊपर का काम हुआ है ये बाहरी काम हुआ है, अंदर का सेम है जैसे था पहले जी जी।
जो ये 52 अंग हुए थे पंडित जी, वो यहीं पे उत्तराखंड में ही है? ना ना, उत्तराखंड में अब जैसे काम करते हैं, जैसे हमारे कुंजापुरी में है, सिरखंडा में, सिरखंडा में अर्ध सिर है, सिर खंडित है सिर जिसका, अर्ध अर्ध वो सिरखंडा में है जी जी, यहाँ चंद्रवती में, कुंजापुरी में नैना देवी है, जहाँ जहाँ जो भाव जैसे कामाख्या में तो वहाँ यूनिपीठ की पूजा होती है, वहाँ वो नहीं करते। इस प्रकार से सारे कुछ गढ़वाल मंडल में है, और कुछ जो है कुमाऊं में है, कुछ जो है नेपाल में भी है। अच्छा अच्छा, इस तरह से इनकी पीठों की स्थापना हुई है। पंडित जी, मंदिर की जो यहाँ पे यात्रा होती है, जो लोग आते हैं बाहर से, उनके लिए उचित समय कौन सा रहता है जब वो यहाँ पे आए? जैसे ठंड का ज्यादा रहता है यहाँ बाहर के लोग ज्यादा, जून जैसे मई का है, जून का है, जुलाई तक, जुलाई अगस्त तक ठीक रहता है, सितंबर तक ठीक रहता है, सितंबर तक ठीक रहता है, उसके बाद यहाँ के लोग तो आ जाते हैं बाहर के, बराबर आते हैं। और मंदिर समिति की वजह से यहाँ पूरी व्यवस्था है, अच्छा, रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, सोने की व्यवस्था है, जी जी, पानी की व्यवस्था है, सब चीज की व्यवस्था है, जी जी जी, जो 10 आदमी है, 50 आदमी, 100 आदमी है, पूरी व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था है। ये हमारी मंदिर समिति, कार्यकारिणी मंदिर समिति है जो कि रजिस्टर्ड है। अच्छा, ठीक है, रजिस्टर्ड समिति की वजह से सभी सारी व्यवस्था, सारी सुविधाएं हैं, मतलब बाहर के लोग आएंगे उन्हें भी कोई यहाँ पे परेशानी नहीं होगी, जी जी जी, परेशानी नहीं, किसी को भंडारा लगाना हो, किसी को कुछ करना हो, अच्छा, तो इसको मंदिर समिति को पहले उनको बताना पड़ेगा। अच्छा, जो कोई यहाँ पे जो भंडारा करवाना चाहता है, जो भंडारा करवाएंगे उसके लिए कहाँ पे ये संपर्क करेंगे? संपर्क हमसे कर लेंगे, मैं उपाध्यक्ष भी हूँ यहाँ का। अच्छा अच्छा, तो आप अपना ना मोबाइल नंबर बोल दीजिए। प्रबंधक समिति से भी है जी, और ये सब यहीं से हो जाता है। जी जी, आप अपना मोबाइल नंबर बोल दीजिएगा। मोबाइल नंबर है मेरा 94-58-930-692। जी, शुभ नाम पंडित जी, शक्ति प्रसाद भट्ट। शक्ति प्रसाद भट्ट, जब किसी को भंडारा वगैरह करवाना होगा ना, तो आपको इसी नंबर पे कॉन्टेक्ट कर देंगे, कोई बाहर का लोग रहेंगे तो आप उन्हें अपने हिसाब से बता दीजिएगा, इस टाइम पे हो जाएगा, है ना? ठीक है पंडित जी, तो फिर धन्यवाद। तो मंदिर में पूजा वगैरह हो गई, सारे काम निपटा के अब नीचे चल रहे हैं, 1.5 किलोमीटर अभी नीचे जाना है, उसके बाद बाइक से। तो पीछे पंडित जी से हमने मंदिर के इतिहास के बारे में और किस समय में यहाँ पे आना ज़्यादा उचित रहता है, और अगर आते हैं तो यहाँ पे सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी, और पंडित जी का कॉन्टेक्ट नंबर, समिति रजिस्टर्ड है इनकी जो यहाँ पे काम करती है, कि जिससे आप लोग कोई भी अगर यहाँ आना चाहें तो आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। नंबर भी मैं डाल दूँगा, या डाल दिया होगा पीछे वीडियो में, ठीक है। नीचे आते टाइम जब घर से निकला था तो रिकॉर्ड करना, एक तो कैमरा चार्ज नहीं था, दूसरा कोहरा इतना ज़्यादा था, रिकॉर्ड भी करता तो कुछ फ़ायदा नहीं था, मतलब कुछ दिख ना पाता। तभी जाते टाइम रोड भी दिखा देता हूँ कि रोड में कोई तरह किसी तरह की दिक्कत नहीं है, आसानी से आ सकते हैं आप। पैदल का रास्ता है पर पक्का है, मतलब दिख ही रहा होगा आपको पीछे, चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है जी। अब कल वापसी का देखते हैं, कल वापस देहरादून निकलता हूँ, रास्ता वो नहीं रहेगा, उस रूट से नहीं आऊँगा, जाऊँगा जिस रूट से मैं आया था, उस रूट से नहीं जाऊँगा जिस रूट से आया था, मतलब देवप्रयाग के रास्ते नहीं जाऊँगा, वहाँ ऑल वे द रोड के चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान रहा। वैसे 3 रास्ते हैं यहाँ से वापस जाने के, एक वही जहाँ से मैं आया था देवप्रयाग वाला रूट, दूसरा न्यू टिहरी से होते हुए नरेंद्र नगर, ऋषिकेश और फिर देहरादून, और तीसरा रास्ता है मेरा मसूरी से होते हुए, तो जाते हुए मैं मसूरी धनौल्टी से होते हुए जाऊँगा, सुरकुंडा भी उसी में बीच में पड़ता है, पर चलने के लिए बहुत ज़्यादा है, और मैं पहले जा रखा हूँ, किसी दूसरे दिन सुरकुंडा का बनाएंगे कैमरे के साथ, कैमरे के बिना तो काफ़ी बार जा रखा हूँ, एक बार कैमरे से सुरकुंडा का भी बना देंगे आप लोगों के लिए।